अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बना रहे हैं अपनी मिट्टी की हांडी अंदर माश की दाल, छिलकों वाली माश की दाल। तो मैंने कहा चलो मैं आज आपको दिखाती हूँ कि कुकर भी इलेक्ट्रिक हो गया, दूसरा कुकर भी हो गया, तो आज हम क्यों ना इसमें दाल बनाएं। तो आज मैंने दिल किया कि आज हम अपनी खूबसूरत सी मटकी के अंदर यानी मिट्टी की हांडी के अंदर दाल बनाते हैं। यहाँ मैंने ऑयल के अंदर प्याज थोड़ा सा चॉप करके उसको भूनने के लिए रख दिया है। दूसरी तरफ मैं बाकी मसाले रेडी करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये दाल थी, इसको मैंने 2 घंटे के भिगो के रखा हुआ था। और यहाँ पे मैं अब ये बड़ा प्यारा चॉपर से इसके अंदर टमाटर भी चॉप कर लूँगी। ऐसे भी डाल दे टमाटर, कोई मसला नहीं है। इसके अंदर मैं टमाटर भी चॉप करूँगी, क्विक एंड ईजी, बड़ी जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाता है इसके अंदर। इसके अंदर ऑमलेट का मैटर बनाना हो, कचूमर सलाद बनाना हो, क्विक एंड ईजी बड़ा अच्छा बन जाता है जी। मैंने कहा चलो मैं आपको ये भी दिखाती हूँ कि मुझे अपना ये जो होम मेकर चीज़ है ना बड़ी पसंद है। हल्का हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो रहा था तो उसके अंदर ही मैंने अदरक लहसुन कुटी हुई डाल दी है। और दूसरी तरफ ये मैंने सारे मसाले इसके अंदर मिक्स कर लिए हैं, जो भी स्पाइसेस हैं। बस अब कलवंजी डालना रह गया, थोड़ी सी कलवंजी और थोड़ी सी अजवाइन भी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। और फिर जब थोड़ा सा मसाला हो जाएगा तो उसके अंदर ये ऐड कर दूँगी। अब मैं इसके अंदर ये सब चीज़ें ऐड कर दूँगी, सारे मसाले, टमाटर, सारा कुछ ऐड कर दूँगी। और इसी को गाल के पानी डालूँगी थोड़ा सा, मिक्स करते हैं। हंडिया को हमेशा नॉर्मल आंच पे रखें और बड़ों से सुनते हैं कि अगर इसकी आंच तेज की जाए, हंडिया लगने के साथ साथ ये जो हंडिया खुद भी है ये क्रैक हो जाती है। तो इसको मैं थोड़ी सी हल्की आंच और कर देती हूँ मज़ीद। और अब मैं थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल के डालूँगी। एलोकेशन सही है ये हम। तो मैं इसके अंदर डालूंगी अब दाल, क्योंकि पहले से सोख करके रखी हुई थी मैंने। इसको हम मिक्स करेंगे। तो ये देखिए जी, इसके अंदर हमने पानी डाल दिया है थोड़ा सा और मैं इसको आप ढक्कन दे दूंगी पानी खुश्क होने तक। इन हाल से छट दियो तो तुम अपने काम करो, ठीक है जी। वाह जी वाह, इसका पानी भी सूख गया है और दाल भी थोड़ी बहुत गल गई है। तो इस स्टेज पे इसको हम जो है भूनेंगे अच्छी तरह। तो मैं इसको भूनती हूँ। ये देखें जी, इसको मैंने भूना है और इसको जो दाल का दाना है वो भी गल गए हैं बड़े अच्छे। और मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ी सी मेथी, सूखी मेथी पाउडर इसमें ऐड करें, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। और थोड़ा सा देसी घी डाल के इसके अंदर मैंने डाली है थोड़ी सी सूखी मेथी और थोड़ा सा इसके अंदर मैं डालूंगी गरम मसाला और देसी घी का 1 चम्मच डाल के, 1 टेबलस्पून देसी घी डाल के इसको मैं फिर हल्का सा पानी डाल के दम दे दूंगी और उसको मैं फिर आपको फाइनल लुक डिश आउट करके दिखाऊंगी। तो जी ये देखिए, ये हमारी मज़ेदार सी मटकी दाल तैयार है। तो मेरे पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और दाल को इंजॉय कीजिएगा। ज़रूर बनाइएगा क्विक एंड ईजी रेसिपी।